बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किंजाज बुटीक। आज मैं आपके साथ दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जिसमें मैं एक पाइपिंग और लेस का यूज़ करूँगी। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस है, इसके साथ पाइपिंग है। ये मैं दुपट्टे पे यूज़ करूँगी और मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा डिज़ाइन करूँगी। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो लेंथ वाली साइड होती है, लंबाई में, वहाँ पर इसकी पाइपिंग लगेगी। और पाइपिंग जो है वो मैं सिंगल बूट से नहीं, डबल बूट से ही लगा रही हूँ। जो नॉर्मल बूट हमारे पास मशीन में कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कैसे रखनी है पाइपिंग? तो सबसे पहले पाइपिंग रखने के लिए यह है कि एक साइड पे वो सिलाई लगी होती है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा उखड़ा हुआ होता है, और दूसरी साइड से सीधी होती है। जैसे देखिए, मैंने पाइपिंग रखी। अब जो प्लेन साइड है वो ऊपर रखनी है और कपड़ा भी सीधा रखना है। जो दुपट्टा है उसको भी सीधी साइड रखनी है, पाइपिंग की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाना। ये देखिए कितनी सफाई के साथ लग रही है, बिल्कुल सिलाई जो है वो किनारे पर लगानी है। ये देखिए, ये सिंगल बूट है, पाइपिंग जो है ज़्यादातर वो सिंगल बूट से लगाई जाती है, लेकिन मैं जो हूँ वो आपको डबल बूट के साथ लगाना बताऊँगी। इसके लिए कोई आपको स्पेशल बूट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको नया बूट लें उससे पाइपिंग लगेगी। तो आप इसे सिंपल जो आपके पास लगा हुआ था कपड़े सिलाई करने के लिए, हम रूटीन में उसी के साथ आप लगा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगेंगे बहुत आसानी के साथ, और बहुत सफाई के साथ आपकी पाइपिंग लग जाएगी। और आप अगर कपड़े सिलाई करते हो, ये कह रहे हैं कि आपके कपड़ों में सफाई नहीं आती, तो उसके लिए ये है कि आप अच्छे से जो पहले फर्स्ट थिंग जो है उसके लिए ये है कि आपके पास जो धागा है वो कपड़े बिल्कुल मैचिंग का होना चाहिए, उससे भी आपकी बहुत अच्छी सफाई आएगी। दूसरा, कपड़े पर प्रेस करते वक्त आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, जितना अच्छे से आप कपड़ा प्रेस करेंगे उतनी अच्छे से सफाई के साथ आपके स्ट्रेच जो भी आप स्टिचिंग कर रहे हैं वो अच्छी होगी। ये देखिए, इसी तरीके से आप पाइपिंग के साइड पे सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए, एक साइड पे मैंने पूरी लंबाई में लगा दी है, अब दूसरे साइड पे भी इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। ये देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप लगाते जाएं। पाइपिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी के साथ लग जाती है। ये देखें, आखिर जहाँ पे एंड है वहाँ से पाइपिंग आप कट कर दें और सिलाई एंड तक ले। आप देखिए, दोनों साइडों पे लंबाई में पाइपिंग लग गई है। इसकी लंबाई वाली साइड पे पाइपिंग लग गई है, और जो चौड़ाई वाली साइड है, जो पल्लू है, उस पर मैं एक लैस यूज़ करूँगी, बहुत ही खूबसूरत सी लैस है। ये देखिए, इस पर पाइपिंग लगी। अब इसको अच्छे से प्रेस करना है आपने, जितनी भी पाइपिंग है हमने सीधी साइड पर लगाई थी, इसको मोड़ के उल्टी साइड पे प्रेस करना है, तो ये अच्छे से बैठ जाएगी, कोई सिलवट कुछ भी नहीं होगी, तो अच्छे से लगेगी। अब प्रेस करने के बाद इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। अब आप अगर इस दुपट्टे पे गौर करें तो जो नीचे वाली साइड है वो ब्लैक है, और जो पाइपिंग वाली साइड है वो थोड़ी मैरून है। तो मैंने ऊपर जो है वो मैरून थ्रेड यूज़ किया है, नीचे जो फिरकी में भरा हुआ है वो ब्लैक है। देखिए, आपको जब मैं सिलाई दिखाऊंगी लगाने के बाद, ये देखिए ऊपर वाली सिलाई भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होगी कि कहीं पे मैं टांग का यूज़ कर रही हूँ, और नीचे वाली भी इसी तरीके से सफाई के साथ आ रही है। साथ का धागा है तो बहुत खूबसूरत सिलाई लगेगी। ये देखिए, ब्लैक कलर का थ्रेड ही यूज़ किया है, तो इसलिए कितनी सफाई के साथ सिलाई आई है, और ये प्रेस भी हुआ था उससे भी काफ़ी अच्छे लग गए। दोनों साइडों पे मैंने सिलाई आयरन करके सिलाई लगा दी। अब जो है ये एक लेस है, बहुत खूबसूरत सी लेस है, ये इस पर यूज़ करेंगे। अब इस लेस का ये था कि ये थोड़ी, इसका ये है कि जो इसके लटकन लगे हुए हैं ये थोड़े थोड़े से गिर गए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा लेस ले ली है। इसका कोई नहीं, आप किसी भी प्लास की मदद से जहाँ पे आपको ये देखिए लगे हुए हैं ना, अगर आप इनको तंग तंग मतलब करीब करीब करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लेस लेके आप उतार के यहाँ पर लगा सकते हैं, और अगर खुला करना चाहते हैं तो निकाल के लगा सकते हैं, इससे आपकी लेस भी ख़राब नहीं होगी। अब देखिए, लेस लगाने के लिए लेस को उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है, सीधी सॉरी लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। दुपट्टे के सीधी साइड पर रख के 1 इंच का फासला रखते हुए लेस के कॉर्नर पर सिलाई लगाते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ऐसे लगा रही हूँ, लेस की सीधी साइड नीचे दुपट्टे की सीधी साइड के साथ मैच की है, और लेस जो है वो 1 इंच के फासले के साथ रख के इसके ऊपर कॉर्नर पर सिलाई लगा रही हूँ। इससे यह है कि सफाई, ये सिलाई बहुत
जल्दी और सीधी लगेगी। आप एक एक इंच मेजर करते जाएं और रख के सिलाई लगाते जाएं। अगर आप बार बार मेजर करना मुश्किल लग रहा है तो आप पहले से चौक की मदद से पूरे पल्लू की साइड पे एक एक इंच का निशान लगा लें, फिर उन निशानों के ऊपर ऊपर रेस लेस को रख के तो वहाँ पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से जाएं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ये देखिए एंड भी मैंने यहाँ से क्या किया, सिक्योर करने के लिए लेस को थोड़े से डबल फोल्ड करते हैं कर दिए ताकि लेस के धागे निकले नहीं। अब ये देखिए अभी इसको भी प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगी। अब देखिए मैंने जो पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर भी सिलाई लगाई है और यहाँ पे भी मैं सिलाई ही लगाऊंगी प्रेस करके। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तुरपाई कर लें, तुरपाई से और ज़्यादा सफाई आ जाएगी। देखिए मैंने इसको उल्टी साइड पर प्रेस करके अब डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। पाइपिंग तो एंड से उसके कॉर्नर सिक्योर होते हैं इसलिए वह धागे नहीं निकलते, इसलिए उसी तरीके से लगा दी। यहाँ से यह है कि कपड़े के धागे भी निकले थे इसलिए डबल फोल्ड करके स्टिचिंग की है। ये देखिए कितनी सफाई के साथ लगी है। और यहाँ पे मैं दो तीन जगह पे मुझे लग रहा था कि जो है ये लटकन है काफ़ी खुले हैं, तो एक्स्ट्रा जो मेरे पास लेस पड़ी हुई थी वहाँ से मैंने निकाल के यहाँ पर लगा दी। एक कॉर्नर में लगाया था और एक मिड में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दुपट्टा बना है। उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।